अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक आपको ज़्यादा सही शायद नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये सही से नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, ये पावर वॉश हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ, ये ऐसे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। इसको पावर वॉश इस तरह से कहा जाता है कि इससे घर क्लीन होते हैं। ये देखिए, ये जब हमने घर बाय किया था तो ये उस वक्त में 5 साल पहले की बात है हुआ था। फिर बीच में कोरोना आ गया था, तब ये डिले हुआ था। अब ये बड़े टाइम के बाद इन्होंने ना ये पावर वॉश, हर घर को साफ किया जाता है, मतलब बाहर से जितने भी बग्स होते हैं, जितने भी वो वेब से होते हैं, वो सब इससे उतर जाते हैं। और ये जो जितनी भी होती हैं वॉल्स होती हैं, रूफ होती हैं, छतें होती हैं, जितनी भी, उनको क्लीन किया जाता है। ये केमिकल होता है जिससे ये क्लीनिंग होती है। ये देखें, ये अभी हमारे घर की भी हुई है, तो मैंने कहा ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये कर रहे हैं कहाँ तक, वो देखें, ये होता है कि फंगस होती है, काफी फंगस, काफी होती है, फंगस साफ हो जाती है। तो इसका कोई टाइम होता है, ये मतलब एक सर्टन टाइम तक ना, मतलब आप इसको कर, मतलब मुद्दत होती है जिसे कहा जाता है। तो ये देखिए, ये हो रही है। तो अभी अभी इस मॉर्निंग में ये हमारे यहाँ हो रही थी, बल्कि इन्होंने मेरा जो है वो सिंक लीक करता है बाहर से, तो उन्होंने हमारा, हमारी परमिशन के बगैर हमारा बाहर जो उसको देता है, क्यारी को पानी देता है, वो ना इन्होंने ना हमारा वॉल ओपन कर दिया था, तो उससे मेरे घर के अंदर सारा पानी आ गया था। तो मैंने उसको, सारे पानी को, मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से क्लीन किया, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ घरों के अंदर तो नहीं होता ना तरीकाकार, कि जैसे पाकिस्तान में होल बने हुए होते हैं घर के अंदर, तो होल से पानी जो है चला जाता है। तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने ना, मतलब मैंने किया, मेरा मेरा सारा जितनी मेरी फासेट है, ये जो मेरा किचन है जहाँ सिंक होता है, तो वो नीचे की फासेट मेरी एक दफ़ा पहले भी ऐसे ही ख़राब हुई थी, और ये अब दोबारा से वो ख़राब हो गई। तो सुबह से काफ़ी परेशानी उठाई है हमने। तो लेकिन चले, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाह रही थी, कि मैं, मुझे था कि मैं एक वीडियो सी बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ उसको। थोड़ा सा मैं और ऐसे करती हूँ, तो ये देखें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके, क्योंकि मैं दूर इसलिए कर रही नहीं करना चाह रही थी, थोड़ा मैंने से जूम किया था कि आप लोगों को नज़र आए। तो ये देखिए, ये हो रही है, सब घर हो रहे हैं, सब घरों की हो चुकी है अब। आई थिंक ये लास्ट है, तो अभी ये हमारे एरिया की हुई है, फिर ये आगे जितने और जितने भी हैं घर, ये सब घरों की होगी ऐसे, तो ये क्लीन होती हैं। तो देखें, यहाँ बाहर से घरों को भी इस तरह से क्लीन किया जाता है। आई थिंक पहले से ना शेकी हो रहा है ये देखिए, ये वन बाय वन ना सब घरों को इन्होंने किया है, क्लीन किया है। तो अब ये देख सकते हो, वो देखिए ऊपर तक जा रही है, चूंकि बारिश होनी है, ये देखिए फिर से बारिश है, रेन है आई थिंक, तो उसकी वजह से इन्होंने किया है। उसके बाद ये होता है कि ये रेन से वॉश हो जाता है, तो जो भी इसके केमिकल के, मतलब कोई भी, अब कोई होता होगा ना, कोई मे भी थोड़ा बहुत इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता हो। ये देखिए, वो ना, ये जैसे पाइप लगाया हुआ है ना, तो पाइप के साथ ना ये इनके पास ये केमिकल है, पीछे इनके बैग लगा हुआ है, बैग बैग में केमिकल है, तो ये उससे जो है ये साथ में ये इसको वॉश कर रहे हैं। इनका बड़ा बड़ा तरीका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जब हम पुराने घर कोई लोग लोग जो बाय करते हैं, और उसके बाद वो उनको करते हैं, ये तो खैर टाउन की तरफ से है ना, हम लोगों को ज़ाहिर है हम इसकी पेमेंट करते हैं, इसकी पेमेंट होती है जिस जिस साल ये होता है उस साल इसकी पेमेंट होती है, ईयरली तो नहीं ये होता, 2 से 3 या 4 साल के बाद। अभी बताया ना मैंने कि हमें 5 साल हो गए आए हुए, 5 साल में ये सेकेंड टाइम, अब ये दोबारा से, मतलब इन्होंने किया है, सेकेंड टाइम है ये। तो ये देखिए, ये क्लीन कर रहे हैं, ये देखिए एक एक विंडो क्लीन हो रही है, इससे छत हो रही है सारी, और ये हो रहे हैं डोर, एंट्रेंस डोर, सब चीज़ें क्लीन होती हैं। ये देखिए, तो इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये गर्मियों में तो करते नहीं जा रहे, फिर से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, आपको पता है हर तरह के। तो ये इस तरह से देखिए कैसे, इसलिए इसको इसको पावर वॉश कहा जाता है। आप लोग इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं भी, आप लोग पाकिस्तान में भी करवाते हो, मुझे तो नहीं खैर पता, पाकिस्तान में तो खैर नहीं होगा ये अवेलेबल, लेकिन ये यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि अक्सर पुराने घर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप लें तो
तो उनको फंगस होती है बाय ना, वो ग्रीन हुआ हुआ होता है सारा घर, हमारे वहां तो पेंट हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये पावर वॉश करवाया जाता है, उससे फिर ये होता है कि क्लीन हो जाता है। मेरी विंडो कितनी क्लीन हुई है ये देखे बाहर से। तो चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी। अगर मैं बाहर जाती हूँ, जारी पता बाहर तो फिर वो मतलब करीब नहीं आने देते ना, वो काम कर रहे होते हैं अपना। इंशाल्लाह फिर मैं आपको कोई और अच्छी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।